तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आ चुके हैं एक और तबाही भरे गेम प्ले के साथ वापस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई, यहाँ पर मैं लूट वगैरह कर ही रहा था कि सामने से दो बंदे मुझको डैमेज देने लगते हैं और मेरे सारे नोबड़े टीममेट्स मर जाते हैं, क्योंकि भाई रैंडम टीममेट्स आते हैं तो रैंडम सारे नोबड़े होते हैं। भाई यहाँ पर मुझको काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है, मगर उसके एक बंदे को डाउन करके मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। और मैं तुरंत पीछे की तरफ जाता हूँ कि देखता हूँ कि मेरे टीममेट्स को किसने मारा। तो भाई यहाँ पर एक बंदा सामने से हार रहा था, तो मैं उसको हेडशॉट मार के उसको इजीली डाउन कर देता हूँ। फिर गाइस थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो देखता हूँ क्या इसको, इसके टीममेट्स भी आ रहे हैं। तो भाई देखो इसको कैसे मारता हूँ। भाई इसको भी ओपी वाला हेडशॉट लग चुका है। तो भाई यहाँ पर मैंने 3 किल कर दिए हैं। तो गाइस आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहा है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो भाई जब मैं इसको मारने के बाद नीचे की तरफ जाता हूँ तो यहाँ मुझको एक बंदा दिखाई देता है, तो ग्लू वॉल लगा के मैं इसके ऊपर रश करता हूँ और ग्रेनेड मारता हूँ। तो गाइस ग्रेनेड से कुछ नहीं होता, तो मैं सीधा ग्लू वॉल लगा के और आगे जाता हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं इसको मैक से मारने की कोशिश करता तो हूँ, मगर ये मुझको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है। तो भाई लोग यहाँ पर मैं सिर्फ 30 की हेल्थ से बच जाता हूँ, तो फटाफट से मैं हील करता हूँ और उस बंदे के ऊपर सीधा रस मारता हूँ। तो गाइज़ ये अपनी स्क्वाड का अकेला बंदा बचा था, इसकी 3 बंदों को तो मैं अकेले मार चुका था। तो भाई इसको भी देखो कितने ओपी वाले तरीके से मारते हैं। तो भाई लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरी स्क्वाड फिनिश हो चुकी है। तो आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। तो भाई अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं गाड़ी से बंदों को खोज ही रहा था कि सामने मुझको एक बंदा लूट करते हुए दिख जाता है, तो भाई इसको उड़ा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से मैं उसके टीममेट्स को खोजने लगता हूँ कि उसके टीममेट्स कहाँ पर हैं। और भाई अब जो सीन होने वाला है उसको देख के आप लोग एकदम शॉक हो जाने वाले हैं, क्योंकि भाई सामने वाला जो बंदा था मेरी गाड़ी को एकदम फुल डैमेज कर देता है और मेरी गाड़ी फूट भी जाती है। तो भाई मैं फिर भी उसको ठोक देता हूँ, गाइस सीधा बंदा मुझसे नॉक हो जाता है। तो यहाँ पर सामने से कोई मुझको डैमेज देने लगता है, मैं ग्लू वॉल लगाता हूँ और इसको सीधे फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि किल चोरी नहीं होना चाहिए। भाई इसको फटाफट से लूट करके मैं सीधे चलता हूँ दूसरे बंदों के पास। तो भाई इस घर से मुझको आने लगती है फुटप्रिंट की आवाज़। तो भाई यहाँ पर एक बंदा था, तो गाइस इसकी किस्मत इस बंदे की इतनी अच्छी, गाइस इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ मगर ये फिर भी भाग जाता है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा डैमेज दिया फिर भी बचे ग्लू वॉल लगा के। गाइस देखो ये घर में भागता है और इसके बाद मैं फिर से इसको डैमेज देता हूँ और यहाँ पर ये बंदा फिर से भाग जाता है। तो फिर भाई ये ग्लू वॉल लगा के पैक वैक कर लिया था, तो मैंने सोचा इसको छोड़ते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं क्योंकि और फुटप्रिंट्स आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे देख रहे हो, एक बंदा और निकल गया और यहाँ पर सामने भी एक बंदा। भाई इसको डाउन करते हैं फटाक से इस वाले बंदे को, और उसके बाद गाइस मैं इसको फिनिश नहीं करता हूँ। पता नहीं मैंने क्या सोचा था, इसको फिनिश नहीं करते। गाइस थोड़ा आगे जाते हैं, फिर से मुझको कोई पीछे से डैमेज देता है और तुरंत रस करने लगता है। तो मैं भैया जी को लपेट लेते हैं एकदम तगड़े वाले तरीके से और घर के पीछे चला जाता हूँ हील करने के लिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर पूरी स्क्वाड बैठी हुई है, तो अगर हम लोग के पास हेल्थ होगी तभी हम लोग उस स्क्वाड को मार पाएंगे। तो गाइस इसका दूसरा बंदा इसको रिवाइव करने के लिए आता है, तो मैं इसको भी डाउन ले जाता हूँ और इन दोनों को सबसे पहले फिनिश करता हूँ, क्योंकि गाइस किल चोरी नहीं होना चाहिए हमारा। और भाई लोग देख सकते हैं ये वही वाला बंदा है जो स्टार्टिंग में बहुत भाग रहा था, तो इसको भी फाइनली फिनिश कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हो चुके थे मेरे पूरे 7 किल्स। तो गाइस देखो अब मैं यहाँ पर इनका लास्ट वाले बंदे को मैं खोजने लगता। तो गाइस मुझको पीछे से जब मैं घर से बाहर निकला तो डैमेज है, तो मैं फटाक से ग्लू वॉल लगाता हूँ और यहाँ पर एक आइस वाला ग्रेनेड करता हूँ, फिर उसके बाद पीछे की तरफ जाता हूँ। तो भाई जैसे मैं भाग ही रहा था, मैं सोचता हूँ कि इसको भाग के पीछे की तरफ लेके आता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं जाता हूँ पेड़ की कवर में और बंदा आ जाता है। तो गाइस मेरा हेडशॉट नहीं लगता, तो मैं फटाक से ग्लू वॉल मारता हूँ और गाइस दूसरी बार में इसको फिनिश। तो गाइस यहाँ पर मैं 2 स्क्वाड निपटा चुका हूँ। तो गाइस फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे गाइस एकदम तगड़ा वाला मोटिवेशन मिलता है। गाइस वीडियो को लाइक कर दो फटाक से। तो भाई लास्ट के कुछ जोन बचे थे, तो मैं जोन के साइड जा ही रहा था कि मुझको एक बंदा भागते हुए दिखाई देता है। तो गाइस देखो इसको क्या दिमाग लगा के मारता हूँ मैं। ये बंदा सोचता है कि मैं सीधे भाग के अब इसके ऊपर रश करूंगा, तो ये मुझको डैमेज देने की कोशिश करता है, मगर इसको क्या पता मैं उसके ऊपर पूरा एकदम निगाह लगा के बैठा था। तो भाई इसको यहाँ पर मार देते हैं और गाइस इसी के साथ मेरे हो जाते हैं 9 किल्स। तो गाइस देखो अब इसको मारने के बाद फटाफट से इसकी क्रेट लूटते हैं और भाई आ जाता हूँ मैं थोड़ा स्कैन स्कैन खरीदने, मगर इसके पीछे बंदा कैम्प कर रहा था। तो भाई देखो इस वाले बंदे को तो मेरा जो एनिमी है, गाइस एनिमी सामने से मार देता है, तो मुझे एनिमी की लोकेशन पता नहीं, तो मैं लूट करने लगता हूँ मगर वो मुझको भी मारता। गाइस मैं फटाक से ग्लू मार लेता हूँ और गाइस इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने के बाद, इसके ऊपर सीधा रस करने के बाद गाइस मैं इसको आसानी से मार देता हूँ।
तो भाई अभी आप लोग रुको गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैच खत्म हो चुका है, मगर नहीं गाइस, यहाँ पर लास्ट वाला बंदा बचता है और उसको मैं सीधा हेडशॉट मार के गाइस ये वाला तो मैच खत्म हो जाता है। लेकिन गाइस अभी ये वाला जो मैच है आप लोगों को इतना मतलब इतना खतरनाक वाला मैच है गाइस, इसको आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो भाई मैं उतरा था पीक पे और पीक पे लूट करने के बाद मैं सीधा चला आता हूँ गाइस पोचिनॉक के साइड। तो गाइस पोचिनॉक के साइड यहाँ पर एक बंदा अपने दोस्त को रिवाइव कर रहा था सांप बन के। तो गाइस यहाँ पर पबजी का प्लेयर जो है अपने दोस्त को रिवाइव कर रहा था, तो गाइस इसको एकदम बढ़िया वाले तरीके से मार देते हैं और गाइस इसके दोस्त रिवाइव हो चुके थे। तो भाई मैं इसके दोस्तों को देखने के लिए आगे की तरफ जाता हूँ, मगर गाइस पीछे से कोई मुझको डैमेज देने लगता है तो मैं इसके ऊपर सीधा रश करके, भाई ये बहुत मतलब बहुत प्रो बंदा था गाइस, हमारे टीममेट में मतलब एक टीम का बंदा भी आ गया था इसको मारने के लिए, मगर कोई दिक्कत नहीं गाइस, इसका किल तो मैं ही लूँगा। तो भाई यहाँ पर ये बंदा कब से ग्लू मार मार के एकदम मूवमेंट दिखाया जा रहा था, मगर गाइस मैं इसको मार देता हूँ। तो भाई इसको मारने के बाद मैं जोन की तरफ जा ही रहा था कि सामने की तरफ मुझको एक बंदा रिवाइव करते हुए दिखता है। तो गाइस इसको MA2B का OP वाला हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो भाई इसको मारने के बाद मैं आगे जाता हूँ, तो भाई इस बंदे को लूट कर ही रहा था कि पीछे से मुझको गाड़ी की आवाज़ आती है। तो भाई देखो इस गाड़ी वाले को कैसे मारता हूँ गाइस, इसके साथ काफ़ी लंबी फाइट चली थी। तो गाइस मैं आप लोगों को उसको स्किप करके आप लोगों को सीधा गाइस दिखाता हूँ इस बंदे को मैंने कैसे मारा था। तो भाई इस वाले बंदे को डाउन करने के बाद मैं सीधा फिनिश कर देता हूँ और गाइस इसको लूट करता हूँ। तो गाइस तब तक आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं डेली गेम प्ले वीडियो लाता रहता हूँ। तो भाई यहाँ पर एक बंदा गाड़ी लेकर के आगे जा रहा था, तो गाइस वो सोचा कि उसको कोई मारने, गाइस मैं एकदम हैकर की तरह मैं टूवी चलाता हूँ। तो गाइस मैंने चलते हुए गाड़ी से बंदे को उतार दिया। तो भाई इसके लिए आप लोगों को लाइक तो करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर हो चुके थे मेरे 5 किल। तो गाइस आप लोग सोच रहे हो सिर्फ 5 किल, तो गाइस आगे चलो और किल्स करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई इसको लूट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लॉक टावर पर आता हूँ, यहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को डैमेज दे रहा था। तो भाई मैं इसको पीछे से जाता हूँ और बेचारे को पीछे से लपेट लेता हूँ। तो भाई इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, सब लोग एक दूसरे को मारते ही रहते हैं, पीछे से मारो चाहे आगे से मारो। वैसे गाइस इसको मैंने मौका दिया था भागने का, मगर गाइस ग्लू लगा के नहीं भाग पाया। तो भाई यहाँ पर इस वाले बंदे को भी मार देते हैं और भाई उसको मारने के बाद अब हम लोग अपनी धनो ले लेते हैं। और गाइस यहाँ पर एक बंदा ऊपर था तो गाइस उसको OP वाला हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर थी इस बंदे की पूरी स्क्वाड। तो गाइस देखो इस वाली स्क्वाड को मैं कैसे हैंडल करता हूँ, इसका सबसे पहले गाइस मैं किल कंफर्म कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ इन लोगों को, चल के पीछे से मारेंगे। मगर गाइस यहाँ से मैं बार बार सीढ़ी पे चढ़ता हूँ और बार बार गिर जाता हूँ। तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फाइनली मैं गाइस यहाँ पर चढ़ चुका था और गाइस देख सकते हो यहाँ पर दो बंदे भागते हुए जा रहे थे, एक बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। और गाइस यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि ग्रेनेड किया जाए, तो ग्रेनेड तो करता हूँ मगर गाइस ग्रेनेड मेरा वापस आ चुका था। तो भाई मैं अपना सेकंड वाला गोला ट्राई करता हूँ, मगर सेकंड वाले गोले से भी कुछ नहीं होता क्योंकि बंदर जो था नीचे कूद सका था। तो गाइस यहाँ पर उसको डैमेज पड़ जाता मगर वो थोड़ा आगे निकल सका था। तो भाई यहाँ से मैं कूदता हूँ और सीधे देख सकते हो गाइस वहाँ से बंदा भागते हुए जा रहा था, तो इसको एकदम OP वाला हेडशॉट मार के इसको भी ख़त्म कर देते हैं। और गाइस अब बचा था इसका लास्ट वाला टीममेट। तो गाइस देख सकते हो इसके पास समुराई बंडल है भाई साहब, गाइस ब्लैक टी शर्ट, गाइस एकदम प्रो वाला बंदा था। तो इसको ग्लू मार के गाइस एकदम बढ़िया बंदा, गाइस देख सकते हो ग्लू मार के एकदम खेल रहा था। तो भाई मैं इसको फाइनली हेडशॉट से मार दूंगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मेरा हेडशॉट से किल आ चुका है और गाइस बंदा क्या ही तो गिरा। तो भाई यहाँ पर हो चुके थे मेरे 9 किल्स और गाइस अब बचे थे लास्ट के 2 बंदे। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने दोस्तों को भी बुइए दिया जाए, तो यहाँ पर गाइस मैं चलता हूँ अपने दोस्तों को रिवाइव करने और उनको रिवाइव कर देता हूँ फटाफट से। लेकिन गाइस मुझको क्या पता था उन लोगों ने यहाँ पर मेरा 1 किल चोरी कर लिया। तो भाई अब बचा था लास्ट वाला बंदा, मैंने सोच लिया था इसको कुछ ना कुछ करके तो गाइस इसका वाला किल लेके रहेंगे। तो भाई अब यहाँ पर देखना मैं क्या करता हूँ, मतलब मैं बंदे को गाइस देख सकते हो एकदम भयंकर वाला डैमेज देता हूँ। तो जो बंदा था वो मेरे टीममेट्स के पास चला जाता है अपना किल लेने के लिए। तो भाई यहाँ पर देखो मैं मतलब इतना मौका दिख रहा था मुझको, इतना तगड़ा ग्रेनेड करता हूँ, मुझे लगा बस बंदा मर ही गया, तो मैं लाल लाल दिखाने लगा कि हाँ मैच खत्म, मगर गाइस यहाँ पर बंदा मरता नहीं है तो यहाँ पर मुझको जाके मारना पड़ता है। गाइस देख सकते हो यहाँ पर बंदा पता नहीं कौन सी हेल्थ लेके बैठा था, उसको 162 पड़ा। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर MA2B का शॉट मारा और फाइनली जब मैंने इसको UMP का 1 शॉट मारा तब जाके गाइस ये बंदा मरा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नई तड़कती भड़कती वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और एक कमेंट जरूर से करना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो गाइज़ बाय।